गाइस आपने YouTube Instagram पे इस टाइप के शॉर्ट वीडियो को जरूर से देखा होगा जहाँ पे इन वीडियोस में ऑटो कैप्शन ऐड रहते हैं। आप लोग कैसे इस टाइप के ऑटो कैप्शन एक क्लिक में ऐड कर सकते हो वो सब मैं आप लोग को इस वाले वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, जो भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा वो एकदम फ्री है, आप लोग को कोई भी ऐप की सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अपने जो पॉडकास्ट है उसको आपको लेके आना है कैपकट में, देन अपने वीडियो पे क्लिक करो और नीचे आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको जीरो करना है, ठीक है। देन क्वालिटी पे क्लिक करो और क्वालिटी एकदम जीरो कर दो, ठीक है, जितनी हो सके। देन एक्सपोर्ट कर लो। अब आपको प्ले स्टोर से जीमो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, उसके बाद में आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और परमिशन अलाउ करके जो आपने अभी पॉडकास्ट सेव किया था अपने वीडियो को कैपकट से उसको इंपोर्ट कर लो। देन यहाँ पे सबटाइटल पे क्लिक करके ऑटो रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। देन आप लोग को यहाँ पे दो क्रेडिट मिलते हैं एक अकाउंट में, सो आप आई गॉट इट पे क्लिक करो। देन स्पोकन लैंग्वेज में जाके हिंदी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जो भी लैंग्वेज में आपका वीडियो है उसको सेलेक्ट कर लो। एंड ऐड इमोजी को बंद कर दो, आप ऑन रखना चाहो तो रख सकते हो। देन रिकॉग्नाइज पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे जनरेट में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप लोग वेट कर लेना। देन सो यहाँ पे हमारे कैप्शन तो आ चुके हैं लेकिन इनको हमें इंग्लिश में करना है। सो आप लोग को कैप्शन पे क्लिक करके बैच एडिट में आना है और जो भी यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है उसको आप लोग इंग्लिश में लिख लो, ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। बाकी आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना जो भी मिस टाइप हो गया हो, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हो कैप्शन तो आ चुके हैं लेकिन इनको थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए आप लोग को यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप लोग को यार काफ़ी सारे ट्रेंडिंग एनिमेशन स्टाइल मिल जाएंगी, तो मैं यहाँ पे इस येलो वाली को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद में अब आप लोग देख सकते हो हमारा कैप्शन एकदम प्रोफेशनल हो चुका है, ठीक है। अब आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, लास्ट में जो एंडिंग है इसको डिलीट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे आप लोग को एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क पे करके एक्सपोर्ट कर लेना है। सो अब आपको कैपकट में आके एड ओवरले में जाना है और जो आपने अभी एनिमेशन बनाया था उसको लेके आ जाओ। देन ब्लेंड में जाके उसको फिल्टर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनिमेशन तो सेट हो चुका है। अब आपको क्रॉप में आके जीमो का जो वाटरमार्क है उसको हटा देना है और इसको आप लोग कहीं पे भी सेट कर सकते हो और जो आपका कैप्शन है वो रेडी हो चुका है।